हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में। बात करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स और एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो इस पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये पॉलिसी बच्ची की शादी को प्लान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें अगर 30 साल की उम्र के पिता अपनी बच्ची के लिए पॉलिसी लेते हैं तो महीने के सिर्फ 2468 रुपये भरते हैं, और बच्ची की एज जब 21 साल पूरी होती है तो उस टाइम 11 लाख रुपए मिलते हैं। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर फादर के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, मतलब उनके सारे प्रीमियम LIC पे करती है। और बच्ची की उम्र जब 21 साल पूरी होगी तो 11 लाख रुपए मिल जाते हैं। और इसके अलावा फादर के साथ जिस टाइम मिस हैपनिंग होती है उस टाइम फैमिली को फैमिली सपोर्ट में 5 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर मिस हैपनिंग एक्सीडेंट से होती है तो फैमिली को 10 लाख मिलते हैं। इसके साथ बच्ची के 21 साल पूरे होने तक हर साल 50,000 रुपये बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल। इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 साल। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 65 साल। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 13 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल। इस पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म माइनस 3 साल होती है, क्योंकि ये पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत पॉलिसी टर्म से 3 साल कम तक ही प्रीमियम देना होता है। अगर आपका पॉलिसी पीरियड 25 साल है तो आपको सिर्फ 22 साल तक ही प्रीमियम देना है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम अश्योर्ड है 1 लाख रुपये और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, पर मैक्सिमम सम अश्योर्ड आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। अब इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट। एक पॉलिसी होल्डर जिसकी एज 30 साल है और अभी अभी फादर बने हैं और अपनी बच्ची के लिए कन्यादान पॉलिसी लेते हैं और सम अश्योर्ड के लिए 5,20,000 रुपये के अमाउंट का चुनाव करते हैं और 21 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं, तो उन्हें 18 साल तक प्रीमियम देना होगा और उनका मंथली प्रीमियम 2468 रुपये होगा। जब बच्ची की एज 21 साल पूरी हो जाएगी तो पॉलिसी होल्डर को 11 लाख रुपये मिल जाएंगे, जो कि होंगे सम अश्योर्ड के 5,20,000 रुपये, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस के 5,35,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस के 52,000 रुपये, यानी कि टोटल 11,07,000 रुपये मैच्योरिटी पर मिलेंगे। इस कैलकुलेशन में जो बोनस के रेट लिए गए हैं वो LIC के करंट ईयर के डिक्लेयर किए हुए रेट हैं। आपके LIC के मैच्योरिटी पर अमाउंट थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी के पीरियड पूरे होने के पहले कभी भी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो फैमिली को 5 लाख रुपये उसी टाइम मिल जाएंगे, और अगर ये मिस हैपनिंग एक्सीडेंटल होती है तो एक्स्ट्रा 5 लाख मिलेंगे। यहाँ हम माने अगर पॉलिसी होल्डर की 5वें साल में किसी एक्सीडेंट में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इस केस में फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये मिस हैपनिंग एक्सीडेंटल है। अगर मिस हैपनिंग एक्सीडेंटल नहीं होती तो 5 लाख मिलते, और उसके बाद पॉलिसी के 5 साल जब पूरे हो जाते तो 50,000 रुपये मिलते, और ये 50,000 रुपये हर साल मिलेंगे पॉलिसी के 20 साल पूरे होने तक। और पॉलिसी जब 21 साल की पूरी होगी और मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी में लगभग 11 लाख रुपये मिलेंगे। इस कन्यादान पॉलिसी का जो मैंने प्रीमियम बताया है, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इस पॉलिसी को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर 5 लाख की पॉलिसी 25 साल के पॉलिसी पीरियड के साथ लेता है तो उन्हें 1951 रुपये हर महीने 22 साल तक प्रीमियम में देने होंगे, और मैच्योरिटी में उन्हें 13,37,500 रुपये मिलेंगे। और अगर पॉलिसी होल्डर 10 लाख के सम अश्योर्ड की पॉलिसी 25 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए लेते हैं तो उन्हें 3901 रुपये हर महीने 22 साल तक भरने होंगे, और मैच्योरिटी में उन्हें 26,75,000 रुपये मिलेंगे। और आप अपनी ज़रूरत और बजट के अकॉर्डिंग पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आप अपने बेटे, अपनी बेटी
या खुद के लिए भी ले सकते हैं। कन्यादान पॉलिसी का कॉन्सेप्ट जीवन लक्ष्य पॉलिसी से ही मिलता है। इस पॉलिसी को डिटेल में समझने के लिए जीवन लक्ष्य की पॉलिसी की वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।